तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra, एंड ये है इस साल इसका आने वाला सक्सेसर S24 Ultra, जो 17 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। एंड लीक्स को देखने के बाद पता लग रहा है कि ये डायरेक्ट कंपटीशन है आईफोन 15 सीरीज का। आईफोन 15 को एकदम किल करने वाला है ये साल। तो पहले अगर बात करें इसके डिजाइन को लेके, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले फ्लैट डिस्प्ले। आपको कर्व डिस्प्ले को अब टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। सैमसंग भी अब फ्लैट डिस्प्ले की तरफ जा रहा है, एंड आपको चारों ही साइड सब कुछ ऑलमोस्ट फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। आपको शायद कैमरा बम्प्स भी देखने के लिए नहीं मिले इस साल, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको एस पेन में जो बम्प आता था देखने के लिए मिले, एस पेन भी एकदम फ्लैट मिलेगा आपको देखने के लिए मिले। एंड अगर फ्रेम्स की बात करें, तो इसमें आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल आईफोन्स की तरह। तो ये फ़ोन इस साल बहुत लाइट आने वाले हैं, पूरी सीरीज तो नहीं, लेकिन S24 अल्ट्रा तो प्रोबेबली लाइट वेट होगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने वाला है उसका। तो कुछ डिज़ाइन में बताने के लिए यानी पुराने साल वाला ही डिज़ाइन है, लेकिन फ्रेम्स चेंजेस है एंड फ्लैट डिस्प्ले है। एंड फ्लैट डिस्प्ले आपको तीनों ही मॉडल्स में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, S24 प्लस एंड S24 Ultra में तो आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगी ही। लेकिन हाँ, फ़ोन लाइट वेट होने वाला है, तो 15 के साथ कंपटीशन है डायरेक्टली, डायरेक्ट आईफोन के साथ कंपटीशन कर रहा है सैमसंग। और अगर आप बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको लास्ट ईयर जैसे S23 Ultra जैसे ही देखने के लिए मिलेगा। 2x डायनेमिक एमोलेड विद 120Hz ऑफ रिफ्रेश रेट, वही डिस्प्ले है Quad HD Plus वाला। लेकिन इस साल आपको मेजर चेंज देखने के लिए मिलेगा ब्राइटनेस के अंदर। आपको S24 Ultra सीरीज के अंदर आपको 2600 nits की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी, जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है पिक्सल 8 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स के साथ में। दोनों से ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट फोन आने वाला है इस साल। S24 की बात की जाए, तो उसमें भी आपको S24 वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है Quad HD Plus वाली डिस्प्ले आ जाए उसके अंदर, लेकिन जो S24 है, जो बेस वेरिएंट है एकदम, उसके अंदर आपको वही लास्ट ईयर वाला Full HD Plus 120Hz ऑफ रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो आई थिंक उसको भी अपग्रेड देना चाहिए था कोई इस साल, लेकिन उसको कोई अपग्रेड नहीं मिला। लेकिन चलेगा, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले साल शायद सैमसंग करे अपडेट। लेकिन डिस्प्ले में आपको एक न्यू प्रोटेक्शन देखने के मिलेगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर करके कुछ नया आ रहा है, जो पहले किसी भी फ़ोन में नहीं आया, तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी। अगर आप बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें, तो आपको लास्ट ईयर जैसे सेम बैटरी डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। एंड हाँ, चार्जिंग भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगी S24 में, वही 45W का सपोर्ट। एंड नॉर्मल जो सीरीज़ है S24 एंड S24 Plus में आपको वही 25W वाली चार्जिंग देखने के मिलेगी। आई विश इनको भी कुछ अपग्रेड मिला होता। तो अब बात करते हैं, जो इस साल सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड फीचर आने वाला है S24 सीरीज़ के अंदर, वो है AI। AI का कमाल इस साल आपको देखने के लिए कैसे मिलेगा इस सीरीज़ के अंदर, तो बताया जा रहा है कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे कि आप डायरेक्ट ही कॉल पे अपने वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, आपको ट्रांसलेशन के थ्रू आप बात कर सकते हैं किसी से भी। दूसरा, आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, जो इमेज जनरेट जैसे टाइप की चीज़ होती है वो। एंड AI S24 Ultra को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है, जैसे इमेजेस है, जो जूम इमेजेस आती थी वो आपको लॉस लेस देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको उसमें इमेज क्वालिटी थोड़ी कम लेस देखने के लिए मिलेगी। बाकी आपकी नाइट फोटोग्राफी इम्प्रूव करेगा ये AI, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मतलब AI का सैमसंग इस साल बहुत हैवी यूज़ करने वाला है अपने फ़ोन्स के अंदर। लेकिन देखने में मज़ा आएगा कि मतलब क्या किया सैमसंग ने इस सीरीज़ के साथ में, जो इतना AI को लेके हाईलाइट करेगी। एंड अगर बात करें अब इसके प्रोसेसर्स की, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra में आपको एक स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि स्पेशली सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra के लिए ही बनाया गया है। मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी, जो स्पेशली S24 Ultra के लिए बनाया जाएगा। मेरे हिसाब से उसकी क्लॉक स्पीड वगैरह बढ़ा दी जाएगी, उसके थोड़ा सा इम्प्रूव्ड प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन इधर ही एक बैड न्यूज़ भी निकल के आती है, क्योंकि जो S24 है एंड S24 Plus है, उसमें आपको वही पुराने Exynos प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकते हैं। साल लीक्स तो ऐसे ही आ रहे हैं, एंड Exynos का तो आप लोगों को पता ही है यार, हीटिंग इश्यूज़, परफॉर्मेंस इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। आई विश सैमसंग इस मूव के साथ नहीं जाए। Exynos प्रोसेसर सच में बिल्कुल सही नहीं है, पता नहीं सैमसंग ने ऐसा क्यों करने का सोचा। लास्ट ईयर कितना बढ़िया था ना सब कुछ, कि सैमसंग के तीनों ही मॉडल्स में आपको स्नैपड्रैगन देखने के लिए मिला था, जो कि बेस्ट चीज़ थी यार। एंड अगर आप बात करें इसके कैमराज की, तो आपको S24 Ultra में लास्ट ईयर वाले, मतलब तीनों ही मॉडल्स में आपको लास्ट ईयर वाले सेटअप देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन S24 Ultra में आपको कुछ अपग्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपको एक 50 megapixel का 5x टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपग्रेड है। तो अब आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो 5x पर, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप अगर देखो ना, तो डायरेक्ट कंपटीशन एप्पल को ही दे रहा है सैमसंग। 5x एप्पल लेके आया इस साल, तो सैमसंग भी लेके आया, सैमसंग पीछे थोड़ी ना रहने वाला है यार। और हाँ, बस यही कुछ फीचर्स हैं। और प्राइजेस की बात करें, तो प्राइजेस में एक खुशखबरी है कि लास्ट ईयर जैसी प्राइजेस रहने वाला, कोई भी प्लस माइनस नहीं आने वाला। तो हाँ, आप मेरे को चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप S24 Ultra सीरीज़ को लेके थोड़े बहुत एक्साइटेड हो या नहीं हो। अब मैं तो बहुत हूँ, क्योंकि हाँ यार, देखते हैं सैमसंग कैसे कम्पीट करेगा एप्पल के साथ इस साल। तो चलो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।